हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टुडे इन दिस माय ऑनलाइन क्लास बिलोंगिंग ऑल द स्टूडेंट क्लास 9। प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं ने द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट सेकंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान चैप्टर का अध्ययन आपने किया। तत्पश्चात हम आते हैं पोएम में, जिस पोएम का नाम है विंड। विंड मीन्स आप जानते हैं वायु, हवा। कंपोज्ड बाय सुब्रमण्य भारतीय, यह कवि हैं सुब्रमण्य भारतीय। इन्होंने विंड कविता लिखा। इसके टाइटल से ही हमें और आपको ज्ञात हो जाना चाहिए कि पोएट जो भी डिस्क्राइब किया है, पोएट जो भी वर्णन किए हैं, वह वायु से ही संबंधित हो सकती है। वायु, देखिए, विंड हैज ए लॉट ऑफ पावर, हु कैन ब्रोक एवरीथिंग, एज वेल एज शटर्स ऑफ द विंडोज, पेपर्स, बुक्स, टोर द पेजेस, रैन एंड एवरीथिंग इफ इट वांट्स। यानी वायु में इतनी शक्ति होती है कि अगर यह अपने पूरे जोर शोर से बह दे तो खिड़कियों के दरवाजे टूट सकते हैं, कागजों को बिखरा सकते हैं, सेल्फ में अलमारी में रखी हुई किताबों को नीचे गिरा सकते हैं, सारी चीज़ों को तहस नहस कर सकता है, पुस्तकों को फाड़ सकते हैं, वर्षा भी लाते हैं। तो कवि के कहने का आशय ये है कि द विंड हैज ए लॉट ऑफ पावर, वायु में बहुत शक्ति होती है। तो वायु का वर्णन किए हैं इसमें कवि। आइए अबाउट द पोएट के विषय में थोड़ा अवलोकन करते हैं। कवि कौन है, देखिए, सुब्रमण्य भारती वाज बॉर्न ऑफ ए ब्राह्मिन फैमिली इन 1882। यानी सुब्रमण्य भारती का जन्म 1882 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ही वॉज एन इंडियन पोएट एंड राइटर, वह एक भारतीय कवि तथा लेखक थे। यहाँ सुब्रमण्य भारती वॉज बॉर्न ऑफ ए ब्राह्मिन फैमिली इन 1882। सुब्रमण्य भारती का जन्म 1882 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ही वॉज एन इंडियन पोएट एंड राइटर, वह एक भारतीय कवि तथा लेखक थे। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल, वह आधुनिक तमिल शैली के जनक माने जाते थे। देखिए, ही वॉज एन इंडियन पोएट एंड राइटर, वह एक भारतीय कवि तथा लेखक थे। ही इज रिगार्डेड, रिगार्डेड माना जाता है, एज द फादर, जनक ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल, आधुनिक तमिल शैली। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल, वह आधुनिक तमिल शैली के जनक माने जाते हैं। थ्रू हिज राइटिंग, अपनी लेखनी से, ही ज्वाइंड द फाइट ऑफ इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, वह विदेशी नियम
से भारत की आज़ादी की तरफ, विदेशी नियम के खिलाफ भारत की आज़ादी की तरफ से उस युद्ध में सम्मिलित हुए। भारती डाइड इन 1921। भारती यानी सुब्रमण्य भारती 1921 में एक्सपायर कर गए। 1921 में सुब्रमण्य भारती की मृत्यु हो गई। ए के रामानुजन इज ए ग्रेट कनाडा कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट। ए के रामानुजन भी एक महान कन्नड़ तथा अंग्रेजी के कवि हैं। बी साइड्स राइटिंग, लेखनी के अलावा पोएम्स कविताएं भी लिखे। ही ट्रांसलेटेड क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री इंटू इंग्लिश। वह धार्मिक तथा आधुनिक कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी किए। ही द प्रेजेंट पोएम, यह प्रस्तुत कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं विंड, इज आल्सो ट्रांसलेटेड बाय हिम इंटू इंग्लिश फ्रॉम तमिल। यह कविता विंड भी तमिल भाषा से उन्हीं के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो यह अबाउट द पोएट के विषय में रहा, यानी सुब्रमण्य भारती इसको तमिल भाषा में लिखे और ए के रामानुजन जो है उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किए। तत्पश्चात आइए चलते हैं हम अबाउट द पोएम में, यानी कविता के बारे में, कविता क्या कह रही है इसे देखते हैं। देखिए अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। When the wind blows strongly, strongly माने बहुत तेज। When the wind blows strongly, जब वायु बहुत तेज बहती है, it caused great destruction, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्या क्या नुकसान हो रहा है? It breaks doors, यह दरवाजों को तोड़ देती है। And windows, खिड़कियों को तहस नहस कर देती है। Scatters places of papers, और जिन स्थानों पर कागज रखे गए होते हैं उनको तोड़ मरोड़ देती है। Throws down books, पुस्तकों को नीचे गिरा देती है। Breaks roofs, छतों को तोड़ देती है, etc. और अन्य सारी हानियां पहुंचाती हैं। To face this fierce wind, इस भयानक हवा का, इस तेज हवा का मुकाबला करने के लिए we will have to be strong enough, हमें अत्यधिक शक्तिशाली बनना होगा। कैसा शक्तिशाली? फिजिकली शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनना होगा, मेंटली मानसिक रूप से शक्तिशाली बनना होगा, एंड मॉरली और नैतिक रूप से हमें शक्तिशाली बनना होगा। तो इस तरह से अबाउट द पोएम रहा। आइए अब हम पहले स्टैंजा की तरफ चलते हैं। बिफोर यू रीड दिया है, यानी पढ़ने से पहले, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, वायु तेज बहती है, एंड काजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और जिसके कारण ढेर सारा नुकसान होता है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विथ इट, हम उनसे कैसे मित्र बन सकते हैं, वायु से हम मित्रता कैसे बना सकते हैं, कैसे मित्र बन सकते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, विंड कम सॉफ्टली, देखिए विंड कमा है अर्थात यह एपोस्ट्रॉफी है, संबोधन है। हे वायु, विंड माने वायु, एयर, हे पवन कम सॉफ्टली, कम माने आना, सॉफ्टली माने धीरे धीरे, यानी कम माने यहां बहने से मतलब है, सॉफ्टली माने धीमे। विंड हे पवन, हे वायु कम सॉफ्टली, तुम धीरे धीरे बहो, तुम धीरे धीरे आओ। डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डू नॉट नहीं, ब्रेक माने तोड़ना, द शटर दरवाजे ऑफ विंडोज माने खिड़कियों के। डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। हे पवन धीरे धीरे बहो, तुम खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो।
डू नॉट स्कैटर द पेपर्स, डू नॉट नहीं, सब जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। स्कैटर्स, स्कैटर माने बिखेरना, स्प्रिंकल बिखराना, द पेपर्स माने कागजों को। डू नॉट स्कैटर द पेपर्स, कागजों को मत बिखेरो, हे पवन तुम कागजों को इधर उधर मत बिखेरो। डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल, डू नॉट नहीं, थ्रो माने फेंकना, डाउन नीचे, द बुक्स पुस्तकों को, ऑन द सेल्फ माने सेफ में से, अलमारी में से। डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, ताक या सेल्फ अथवा अलमारी पर रखी किताबों को नीचे मत फेंको, नीचे मत गिराओ। देयर, अब देखिए यहाँ इंडिकेशन है, अरे लुक, देखो व्हाट, क्या यू, तुमने डिड किया। देयर लुक व्हाट यू डिड, अरे देखो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रीव देम आल डाउन, यू तुम थ्रीव फेंकना, देम उनको, आल सभी, डाउन नीचे। यू थ्रीव देम आल डाउन, तुमने सब चीजों को, तुमने उन सभी को नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, यू तुमने टोर फाड़ दिया है पेजेज, पृष्ठ ऑफ द बुक्स माने पुस्तकों की। यू टोर द पेजेज ऑफ द बुक्स, तुमने पुस्तकों के पृष्ठों को फाड़ दिया है। यू ब्राट रेन अगेन, यू तुमने ब्राट लाया, रेन वर्षा, अगेन माने फिर या पुनः। यू ब्राट रेन अगेन, तुम फिर से वर्षा लाए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यू तुम आर हो वेरी बहुत क्लेवर चालाक। पोकिंग, देखिए सॉरी पोकिंग, पोकिंग माने फन, मजाक उड़ाना, पोकिंग फन माने मजाक उड़ाना। क्लेवरी, देखिए क्लेवर चतुराई से। वीकलिंग्स माने निर्बलों का, जो कमजोर होते हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम निर्बलों का मजाक उड़ाने में चतुर हो, कमजोरों का मजाक उड़ाने में चतुर हो। फ्रायल, फ्रायल कमजोर। क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग ढहते हुए हाउस मकान। क्रम्बलिंग डोर्स टूटते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स टूटती कड़ियाँ। क्रम्बलिंग वुड टूटती लकड़ी। क्रम्बलिंग बॉडीज बिखरते या टूटते हुए शरीर। क्रम्बलिंग लाइफ, क्रम्बलिंग बिखरते हुए लाइफ जीवन। देखिए फ्रायल क्रम्बलिंग हाउस, कमजोर ढहते हुए मकान। क्रम्बलिंग डोर्स टूटते हुए दरवाजे। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स टूटती कड़ियाँ। क्रम्बलिंग वुड्स टूटती हुई लकड़ी। क्रम्बलिंग बॉडी बिखरते शरीर। क्रम्बलिंग लाइफ्स बिखरता हुआ जीवन। क्रम्बलिंग हर्ट्स टूटते हृदय। द विंड गॉड वी नोज एंड क्रशेस देम ऑल, वरुण देवता जिसे हम वायु के देवता कहते हैं, वरुण देवता इन सबको उड़ा देते हैं तथा इन सभी को कुचल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट यह रहा फर्स्ट स्टैंजा, अब आइए सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। He would not do what you tell him. देखिए ही वह यानी पवन, would गागेगी do करना, what माने जो, you माने तुम, tell माने कहे, him माने उनको। He would not do what you tell him. पवन यानी ही वह पवन would not do वैसा नहीं करेगा, you tell him जैसा तुम कहोगे। He would not do what you tell.
वह यानी पवन देवता या वायु वैसा नहीं करेगा जैसा तुम कहोगे। सो इसलिए कम आओ लेटर्स बिल्ड स्ट्रांग होम, लेटर्स आओ बिल्ड बनाए स्ट्रांग होम्स माने मजबूत मकान। सो इसलिए कम आइए लेटर्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, आइए हम सभी लोग मिलकर एक मजबूत मकान बनाएं। लेटर्स ज्वाइंट द डोर्स फॉर्मली, लेटर्स आइए ज्वाइंट माने जोड़ें द डोर्स दरवाजे को, फॉर्मली माने दृढ़ता के साथ। लेटर्स ज्वाइंट द डोर्स फॉर्मली, दरवाजों को दृढ़ता से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, प्रैक्टिस अभ्यास करना, टू फॉर्म सुदृढ़ बनाना, द बॉडी शरीर को, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी शरीर को सुदृढ़ बनाने का अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, मेक बनाए द हार्ट हृदय को, स्टीड फास्ट माने दृढ़, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, आइए हृदय को सुदृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं। डू दिस, डू कर लें दिस ऐसा, डू दिस ऐसा कर लें, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, एंड और द विंड हवा विल गागेगी बी बनना, फ्रेंड्स माने मित्र, विथ अस माने हम लोगों का हमारा। डू दिस यदि ऐसा कर लें तो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस तो वह पवन हमारा मित्र बन जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक्स फायर्स, द विंड वाई ब्लोज आउट माने बुझा देती है, वीक फायर्स माने दुर्बल अग्नि को, कमजोर आग को। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, वायु या पवन या हवा कमजोर अग्नि को बुझा देता है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर रोर एंड फ्लोरिश, ही वह मेक्स बना देता है स्ट्रांग शक्तिशाली फायर्स आग को, रोर गर्जना करना, एंड और फ्लोरिश प्रचंड। He makes strong fires roar and flourish, तीव्र अग्नि को वह गर्जावान तथा प्रचंड बना देता है। He makes strong fire roar and flourish, तीव्र अग्नि को वायु गर्जावान तथा प्रचंड बना देता है। His friendship is good, उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका इंग्लिश पोएट्री चैप्टर सेकंड द विंड, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने देखा। डियर स्टूडेंट, इसके अर्थ को आप समझिएगा, अगर अर्थ समझने में कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो अनहेजिटेटिंगली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।